ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये क्लासिक ग्लैम मेकअप लुक, जो कि वैलेंटाइंस डे के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। सो इफ़ यू इंटरेस्टेड टू नो हाउ टू अचीव दिस लुक, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर अपनी स्किन को थोड़ा सा प्रेप करूँगी। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर। काफ़ी रिफ्रेशिंग और एक बहुत ही अच्छा ग्लो देता है ये हमारी स्किन को। और अब मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रिक्विल का जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र। बहुत ही थोड़ा सा यूज़ करना होता है एंड देयर इज़ मोर देन इनफ। ऑयली स्किन टाइप्स के लिए ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अब प्राइमर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बेनिफिट का द पो फ्रेशनर प्राइमर, और ये मैं अपने सिर्फ टी जोन पर अप्लाई करूँगी जहाँ पर आई टेंड टू गेट अ लिटिल बिट ऑयल। अब फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ वन ऑफ माय फेवरेट फाउंडेशन, मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन। और इसके साथ मैं ये आइकॉनिक लंदन का इल्यूमिनेटर मिक्स करके अपनी स्किन पर अप्लाई करूँगी डॉटेड फॉर्म में। जो इल्यूमिनेटर मैंने यूज़ किया है ये एक सटल ग्लो देगा मेरी स्किन को, जो कि वैलेंटाइंस के लिए काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है इस तरह से इल्यूमिनेटर्स को यूज़ करना। और अब एक डैम्प ब्यूटी स्पंज की हेल्प से मैं इस फाउंडेशन और इल्यूमिनेटर को अपनी स्किन पर अप्लाई कर लूँगी डैबिंग मोशन में। अब कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का ही द एज रिवाइंड कंसीलर इन द शेड मीडियम, और इसको मैं अपने हाई पॉइंट्स पर अप्लाई करूँगी जो कि है अंडर माय आईज, ऑन माय फोरहेड, ऑन द ब्रिज ऑफ माय नोज और अराउंड माय माउथ एंड ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑन माई चिन। अब सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इस कंसीलर को भी ब्लेंड कर लूँगी। अब टू गिव दैट एक्स्ट्रा कवरेज एंड एक्स्ट्रा हाइलाइटिंग इफ़ेक्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हिलेरी रोडा का लिक्विड कंसीलर, और बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, बस 3 लाइन्स अप्लाई कर रही हूँ मैं अपने आईज़ के नीचे और थोड़ा सा फोरहेड पे और थोड़ी सी चिन पे। और क्योंकि ये येलो अंडरटोन पे है तो ये एक हाइलाइटिंग इफ़ेक्ट भी देगा मेरे फेस पे। अब दोनों ही कंसीलर्स को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बेन नाई का बनाना पाउडर, और कंसीलर्स को तो सेट करूँगी ही, बाकी जो लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट होगा ब्रश पे उसको मैं पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। अब फेस को कंटूर करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एले कलर का हाइलाइटिंग एंड कॉन्टोर पैलेट, और अभी मैंने अपनी चीक बोन्स को कॉन्टोर कर रही हूँ एंड यूजुअल एरियाज को कॉन्टोर करूँगी बेसिकली, जो कि मेरा चीक बोन्स है, मेरे जॉ लाइन है, फोरहेड है और मेरी नोज। नाउ इट्स टाइम टू फिल माई ब्राउज। तो सबसे पहले मैं एक स्पूली की हेल्प से अपने ब्राउज को ब्रश कर लूँगी, और उसके बाद मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी का ब्राउ किट ले रही हूँ और उसमें एश ब्राउन शेड यूज़ करके मैं अपने ब्राउज को फिल इन कर लूँगी।
अब मैं यहाँ पर कफ्स एंड लैशेस का कवर पॉट ले रही हूँ विच इज़ इन द शेड 03 और ये येलो अंडरटोन में है जो कि परफेक्टली काम करेगा मेरे आईलिड्स के लिए एज अ प्राइमर और इसको मैं अपने आईलिड्स पर पूरे आईलिड्स पर बेसिकली अप्लाई कर लूँगी और उसके बाद पाउडर की हेल्प से लूज पाउडर की हेल्प से मैं इसको सेट कर लूँगी। नाउ फॉर द आई शेडोज मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन का 24K न्यूट्स पैलेट और यहाँ पर मैंने ब्राउन शेड लिया है जस्ट टू बिल्ड माई क्रीज क्योंकि मेरी हुरिड आइज़ हैं तो मैं यहाँ पर एक फेक क्रीज बनाऊँगी इस तरह से और उसको काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नाउ टेकिंग दिस ब्राउन शिमर शेड मैं अपनी फिंगर की हेल्प से पूरी आईलिड्स पर इसको अप्लाई कर लूँगी। अब ये डार्क ब्राउन चॉकलेटी शेड लेकर इसको मैं अपने आउटर वी पर थोड़ा सा पैट करूँगी और फिर उसके बाद ब्लेंड कर लूँगी ताकि एक 3D इफ़ेक्ट आए मेरी आईलिड्स पर। अब मैंने यहाँ पर ब्लू हेवन का लिक्विड लाइनर लिया है और मैं इसे अपने जो लैश लाइन है उस पर अप्लाई करूँगी। एक बहुत ही नॉर्मल सी विंग क्रिएट करूँगी, कोई बहुत ही फैंसी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल विंग क्रिएट करूँगी मैं। और अब वही ब्राउन शेड लेकर उसको मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर स्मोक आउट कर रही हूँ। नाउ टू कर्ल माई लैशेज मैं यहाँ पर आई लैश कर्लर यूज़ कर रही हूँ और ये मेरा नया फेसेस कैनेडा का मैग्नेटिक आई मस्कारा और काजल है जो कि मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया है, दो मेरे पास एक ऑलरेडी था बट उसको खुश करने के लिए मैंने यहाँ पर उसका दिया हुआ गिफ्ट यूज़ किया है विच इज़ दिस वन ऑफ माई फेवरेट मस्कारास और मैं यहाँ पर अपनी कर्ल लैशेस पर ही मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ और इसके बाद मैं फॉल्स आई लैशेस भी अप्लाई करूँगी और अब सेम मस्कारा मैं अपने लोअर लैशेस पर भी अप्लाई कर रही हूँ। और अब ये जो एक शिमर शेड था मैंने इसको अपने ब्राउ बोन पर अप्लाई किया है और सेम शेड को मैं अपने टियर डक्ट पर अप्लाई कर लूँगी। नाउ फॉर द ब्लश मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बाउंसी ब्लश पैलेट और यहाँ पर ये बहुत ही एक प्यारा सा रोजी पिंकिश शेड है, ये इसको मैं एज अ ब्लश अप्लाई करूँगी अपनी चीक्स पर। नाउ फॉर माई फेवरेट पार्ट यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैं ये इंस्टेंट ग्लो का हाइलाइटिंग ब्रिक और इसको मैं अपने हाई पॉइंट्स पर अप्लाई करूँगी जो कि है मेरा चीक बोन्स, मेरी नोज और थोड़ा सा अराउंड माई माउथ और चिन एंड यू कैन सी द ग्लो। अब लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं ये दो लिपस्टिक शेड्स जो कि है लैक्मे का और दूसरा जो लिक्विड लिपस्टिक है वो है 7 Heaven की। इस वीडियो में जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं उन सब की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी इन केस यू वांट टू चेक दैट आउट। और लैक्मे की लिपस्टिक यूज़ करने के बाद यूज़ कर रही हूँ मैं 7 Heaven की लिक्विड लिपस्टिक टू गिव दैट एक्स्ट्रा शाइन। एंड नाउ फॉर माई फॉल्स आई लैशेज यहाँ पर यूज़ किया है मैंने रेड चेरीज के फॉल्स लैशेज। नाउ टू सेट माई फेस यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैं मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर
एंड नाउ टू सेट माय फेस यूज़ कर रही हूँ मैं एक सेटिंग स्प्रे। एंड दिस इज द फाइनल लुक। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू देन प्लीज डोंट फर्गेट टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड ऑल्सो हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप दिस ईयर ब्रिंग्स अ लॉट एंड लॉट ऑफ लव इन योर लाइफ एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। आई विल सी यू सून। बाय।